एंड दिस इज माई न्यू कार। तो रेंट बहुत महंगा हो गया यहाँ पे भी, सारे कनाडा में हाउसिंग के प्राइसेस डबल हो चुकी हैं, रेंट के प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। जब मैंने लिया था ये 2-3 साल पहले, तो अपार्टमेंट का रेंट था। हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पाई और आपने बहुत सपोर्ट किया, आपके मैसेजेस मुझे मिले जिसमें आपने बोला कि कोई चक्कर नहीं सैंडी, तुम आराम से मूव करो नए घर में। सो मैंने नए घर में मूव कर लिया है और अभी हम आए हैं मेरे पुराने घर में, अपार्टमेंट जहाँ पे मैं रेंट पे रहती थी। बहुत लकी था मेरे लिए। क्यों ये लकी था ये भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत 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 ज़्यादा लकी था। और ये अपार्टमेंट टूर करेंगे आज, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बतानी है अगर आप कनाडा आ रहे हैं, अपार्टमेंट में कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, कैसे अपार्टमेंट रेंट करना है। तो चलो जी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑन दिस गुड नोट एंड थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। चलो जी विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। And this is my new car. Just kidding. I rented it. लेकिन लेंगे अभी उसको बुक कर रखी है एक गाड़ी, मैं आपको बताऊंगी कौन सी गाड़ी बुक कर रखी है। सो वो भी धीरे धीरे सब हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। अभी हम हैं ऑटावा में, आपको पता है कि मैं ऑटावा में रहती हूँ। सो ऑटावा में दो कॉलेजेस हैं, अलगोनकिन कॉलेज है और यूनिवर्सिटीज दो हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटावा एंड कार्लटन यूनिवर्सिटी। अगर स्टूडेंट आप आ रहे हैं तो ये एरिया बहुत सही है, मैं यहीं पर रहती थी। बेशोर मॉल है यहाँ पे, उसके आसपास वाला एरिया, बेशोर एरिया बहुत अच्छा है। सो जब भी आप कनाडा आए, किसी भी प्रोविंस में आए, किसी भी सिटी में आए, डजेंट मैटर, ये देख लें कि लोकेशन कौन सी है, वहाँ से आपका कॉलेज, आपकी वर्क प्लेस कितनी दूर पड़ेगी, क्योंकि रेंट पे जब आप रहते हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि कनेक्टिविटी अच्छी हो, बस की टाइमिंग अच्छी हो। बस यहाँ पे बिल्कुल वहां पे आती है, बिल्कुल मेरे घर के सामने उतारती थी, एक मिनट का भी डिफरेंस नहीं है, ये सामने बस जा ही रही है, राइट। सो बसेस की वो सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आप गाड़ी नहीं तब यूज करते, जैसे मैं भी नहीं करती थी, तो बहुत पैसा बच जाता है। सो लोकेशन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब अंदर चलते हैं और अपार्टमेंट दिखाते हैं, और अपार्टमेंट में क्या क्या देखना यह भी दिखाते हैं। बिफोर वी एंटर इन टू द अपार्टमेंट, ये पार्किंग लॉट होते हैं, और मैंने जो ऑटावा में देखा है, अल्बर्टा में, एडमंटन में ऐसा नहीं था, वहां पर फ्री पार्किंग होती थी, लेकिन यहाँ पे किसी भी अपार्टमेंट में आप चले जाए आपको पार्किंग रेंट नहीं बढ़ती है, उसका अलग से रेंट जाता है। तो यहाँ पे $40 होते थे जिनके पास गाड़ी थी, मेरे पास नहीं थी तो मैं ऑब्वियसली नहीं पे करती थी, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी होगी तो आपको गाड़ी की पार्किंग का रेंट अलग से देना पड़ता है। और ये है हमारे अपार्टमेंट की एंट्री, लकी 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 अपार्टमेंट। अब चलते हैं इनसाइड। सो ये ऐसे हॉलवे है, और सबसे पहले लकी नंबर 7। लकी इसलिए क्योंकि इस अपार्टमेंट ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो इस अपार्टमेंट का तो टूर बनता ही था। पहले PR, परमानेंट रेजिडेंसी, जो हर कोई बंदा सोचता है, हर कोई स्टूडेंट सोचता है कि वहाँ जाके PR लेनी है, राइट। सो मेरी PR यहाँ पे हुई इस अपार्टमेंट में। मेरी जॉब जो थी, मैंने दो जॉब्स दो मल्टीनेशनल कंपनीज में स्विच की यहीं पे इसी अपार्टमेंट में। उसके बाद मैंने अपना घर इसी अपार्टमेंट में लिया, मेरी शादी इसी अपार्टमेंट में थी तब हुई, और मैंने अपनी सिटीजनशिप भी इसी अपार्टमेंट में अप्लाई की, सिटीजनशिप का पेपर भी क्लियर हो गया, उसमें भी 20/20 नंबर आ गए। सो ऑल इन ऑल मैं कहूँगी बहुत लकी रहा ये अपार्टमेंट मेरे लिए, 2-3 साल मैं इस अपार्टमेंट में रही हूँ। सो चलो जी अब लकी अपार्टमेंट का टूर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एंट्री करते ही यहाँ पे राइट साइड में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मेरा किचन दिखेगा। किचन में यहाँ पे अप्लायंसेज आपको मिलते हैं अपार्टमेंट में ही। सो ये है गैस। गैस में एक और चीज़ होती है यहाँ पे कि सिर्फ ये गैस नहीं होता, जैसे इंडिया में होता है कि सिर्फ हमारे पास गैस होता है, यहाँ पे अवन भी साथ में ही होता है, तो अवन आपको मिलेगा ही मिलेगा। गैस के साथ आपका रेफ्रिजरेटर अपार्टमेंट में ही होता है, आपको अलग से बाहर नहीं करना पड़ता, जैसे इंडिया में होता है ना कि आपके अपने अप्लायंसेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर जहाँ पे भी आप अपार्टमेंट में जाएंगे आपको अप्लायंसेज मिलेंगे, गैस मिलेगा आपको, रेफ्रिजरेटर मिलेगा, डिश वॉशर मिलेगा। मेरे पास डिश वॉशर नहीं था, मैं खुद ही बर्तन खुद से साफ करती थी, सो विच वॉज नॉट अ बिग थिंग, है ना, लेकिन ये दो चीज़ें बहुत जरूरी हैं, आपको खुद से करनी पड़ी। तो मेक श्योर जब भी आप अपार्टमेंट लें उसमें ये चीज़ें हों, ज़्यादातर होंगी। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जिस किसी भी अपार्टमेंट को आप देखते हैं, आपने लेना है, आप ध्यान रखें कि उसमें अब पूछें आप हाइड्रो इंक्लूडेड है कि नहीं है। हाइड्रो होती है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं, कई बार कई अपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी अलग से आपको देना पड़ता है। मेरा जो ये वाला अपार्टमेंट था इसमें एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड, हर चीज़ थी इसमें, हाइड्रो भी था, वाटर भी इंक्लूडेड था, और एक होती है आपकी हीट। सो ये तीन चीज़ें वो इंक्लूडेड होनी चाहिए, हीट, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसका $40-50 बिल आता है वन बेडरूम का, लेकिन वाटर और हीट तो होना ही चाहिए, ये होता है ज़्यादातर केसेस में, तो ये ध्यान रखना। मेरे वाले में सारा कुछ इंक्लूडेड था एक्सेप्ट वाईफाई, वाईफाई मैंने $50 का लगवा रखा था,
वो लग जाता है। एक चीज आपने और करनी है, जब आप इंडिया से आ रहे हैं आप अपना कनेडियन सिम जो है वहीं से लेके आना, जिसमें आपको $40 में 20 GB डेटा मिल रहा है। इसमें कोई एक्टिवेशन चार्ज नहीं है, मतलब जो $50 लगते हैं एक्टिवेशन चार्ज के वो आपके वेव ऑफ है। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो ये तीन रीजन है जो मुझे इसलिए बहुत अच्छे लगे, क्योंकि जब मैं कनाडा आई थी तो मेरे पास सिम नहीं था, और सिम ना होने की वजह से इनिशियल 2 दिनों में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी, और ये प्लान भी काफी अच्छा है। सो इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड कमिंग टू कनाडा वेदर एज अ स्टूडेंट और परमानेंट रेजिडेंट, तो आप ये कैनेडियन सिम जरूर ऑर्डर कर सकते हैं, और ये आपका जो सिम है आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर हो जाएगा इंडिया में। जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। किचन के बाद सीधा किचन से जब हम एग्जिट लेते हैं तो ये छोटा सा शैंडलियर लगा हुआ है, ये डाइनिंग एरिया है, और यहीं से लिविंग रूम की एंट्री हो जाती है। तो ये है हमारा लिविंग रूम। वैसे तो मुझे ये अपार्टमेंट टूर करना चाहिए था जब मेरा सारा सामान था यहाँ पे, मैं आपको दिखाती कि वहाँ पे मेरा स्टैंडिंग डेस्क था जहाँ पे मैं ऑफिस का काम करती थी, लेकिन आप मानोगे नहीं, मैं इतनी बिजी थी मुझे सच में बिल्कुल टाइम नहीं मिला। लेकिन अभी भी मैंने कोशिश की है, अभी मुझे गमले उठा के लेके जाने हैं कि चलो पहले अपार्टमेंट टूर कर लें। तो आपको बता दूं इंपॉर्टेंट चीजें अपार्टमेंट में। एक फायदा है रहने का कि अपार्टमेंट में आपको कुछ भी मेंटेन नहीं करना पड़ता, सारी जो हेडेक होती है वो आपकी लैंडलॉर्ड की होती है। जैसे बाहर एक मशीन खड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगी, उसी ने खिड़कियां साफ की हैं सारी, स्नो में स्नो उठानी, ये सारी चीजें। फ्रिज मेरा खराब हो गया था, जाके लैंडलॉर्ड को बोल दिया कि फ्रिज खराब है, उसी दिन उन्होंने रिप्लेस कर दिया। खैर लैंडलॉर्ड पे भी डिपेंड करता है कि लैंडलॉर्ड कैसा है, लेकिन यहाँ पे मेरे सुपरिटेंडेंट बहुत अच्छा था। तो ये चीजें अपार्टमेंट में आपको फायदा करती हैं, लेकिन घर पे आपको सारी हेडेक होती है, जो आपका घर होता है आप ही को ठीक करना होता है। यहाँ पे छोटी सी बालकनी है और ये ओपन हो जाता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये सारी बालकनी है, यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं आराम से। और थोड़ा बालकनी हम भी यूज़ कर लेते हैं, अब जा ही रहे हैं लास्ट ईयर। तो एक चीज़ और आपको बतानी है, आप सोच रहे होंगे कि कनाडा में बहुत ठंड पड़ती है, स्नो ही होती रहती है, ऐसा नहीं है, कनाडा में सारी सीजन्स आते हैं। यहाँ पे गर्मी भी बहुत बुरी वाली पड़ती है, स्पेशली ओंटारियो में इंडिया जैसी गर्मी पड़ती है, और आपको यहाँ पे एसी की ज़रूरत पड़ती है। सो एसी का यहाँ पे अलग से $40-$50 रेंट जाता था, सो एसी आपको गर्मियों में यूज़ करना रहता है, लेकिन सर्दियों में जो हीट होती है वो आपकी रेंट में इंक्लूडेड होती है, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया। सो इन चीज़ों का भी ध्यान में रखना, अगर आप अल्बर्टा जाते हैं तो आपको एसी की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने एसी नहीं लगवाना है, जैसे मुझे एसी से साइनस है तो मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैंने एसी नहीं लगवाया था तो मैंने फ़ैन वगैरह ले रखे थे, फ़ैन आपको $20-$30 के मिल जाते हैं अगर उससे आप एडजस्ट कर पाते हैं तो, क्योंकि कई लोगों को फिर एसी के बिना एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 35 डिग्री तक चला जाता है, 35 और इससे ऊपर, तो गर्मियों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप टॉप फ्लोर पे रह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मियों में प्रॉब्लम होती है, सो दैट्स ऑल्सो यू वॉन्ट टू कंसिडर। अब चलते हैं रूम में। तो इधर लिविंग रूम के साथ ही यहाँ पे रूम है, यहाँ से एंट्री हो जाती है। ये जो अलमीरा थी ये काफ़ी छोटी थी, इसका मुझे बहुत प्रॉब्लम था, और ये मैंने यहाँ पे ये मिरर भी मुझसे टूट गया है। सो ये जो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं ना, तो उसमें से काट लेते हैं, अब देखो कितना काटते हैं। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप अपार्टमेंट लें तो आपके स्टार्टिंग में खर्चा ज़्यादा आता है, कि आपको 2 मंथ का रेंट देना पड़ता है। और इन्होंने कोई स्टोरेज रूम भी नहीं दिया, सो ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम था इस अपार्टमेंट में, और लाइट्स वगैरह थी प्रॉपर, लेकिन कई कई अपार्टमेंट्स में आपको खुद से लैंप भी लेने पड़ते हैं, ये भी एक चीज़ होती है ध्यान में रखना, और आपको खुद से ये भी लेना पड़ता है, ये जो विंडोज़ के ऊपर शेड्स वगैरह है ना, ये लगा हुआ था ऑलरेडी, लेकिन कई बार आपको खुद से लगाना पड़ता है, तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो इनिशियली शायद आपका इस पर थोड़ा बहुत एक्सपेंस होता है। और ये है वॉशरूम, मुझे यहाँ का वॉशरूम बहुत अच्छा लगता था, इतना बड़ा सा मिरर था, और ये वैनिटी है, यहाँ पे सिंक है, और ऑब्वियसली आपका शावर। यहाँ पे हर कनाडा में हर जो बाथरूम होता है उसमें आपको टब जरूर मिलता है। अब सारा हमने कवर कर लिया है, हमने किचन से स्टार्ट किया, लिविंग रूम, छोटी सी बालकनी, एक रूम और एक अपना वॉशरूम। ये जो सारा था इसका रेंट कितना था जब मैंने लिया था, ये 2-3 साल पहले, तो अपार्टमेंट का रेंट था $1,100। आप मानोगे नहीं, ये बहुत अच्छा है ऑटवा के हिसाब से, लेकिन उसके बाद इनका रेंटल का एग्रीमेंट होता है, एक्ट होता है, रेंटल एक्ट के हिसाब से इन्होंने रेंट इंक्रीज़ किया थोड़ा थोड़ा करके, जितना गवर्नमेंट अलाउ करती है उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते अगर आप रह रहे हैं ऑलरेडी। तो इन्होंने धीरे धीरे करके रेंट इंक्रीज़ करके अब मेरा दो साल में
$1200 की अप्रोक्सीमेटली कर लिया था. तो अब मैं ऑलमोस्ट $1200 पे कर रही थी इसका, मतलब जितना मैंने आपको अपार्टमेंट शो किया, जो कि बहुत अच्छा मैं बोलूँगी उस हिसाब से. अब मेरी लैंडलॉर्ड से बात हुई थी क्योंकि किसी ने अपार्टमेंट लेना था, तो मैंने किसी को रेफर किया कि भाई उन्होंने लेना है. तो लैंडलॉर्ड ने बताया कि अब वो जो है इस अपार्टमेंट का रेंट करने वाले हैं $1500. यही सेम अपार्टमेंट $300 और ज़्यादा जाएगा. तो रेंट बहुत महंगा हो गया यहाँ पे भी. सारे कैनेडा में हाउसिंग के प्राइजेस डबल हो चुकी हैं, रेंट के प्राइजेस डबल हो चुकी हैं. सो दैट्स इट गाइज, ये था हमारा होम टूर. और अभी जो प्लांट्स वगैरह हैं मैंने अपने उठा लिए हैं क्योंकि यहाँ पे रहते थे, थोड़े से कुछ सामान तो मूव कर लिया था जब हमें पोजेशन मिली थी, और बाकी हम अभी आज लेने आए थे. और आपका जो रिक्वेस्ट था, ऑब्वियसली मैं भी उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. जो हमारा न्यू हाउस है उसका होम टूर करना है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीक. उसमें मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी होम टूर के साथ साथ, मॉर्गेज वगैरह कितने की मिली है, क्योंकि मॉर्गेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है. हमें मॉर्गेज कितने की मिली, क्या इंटरेस्ट रेट है, बिल वगैरह कितना एक्सपेंस होने वाला है, वो सारी चीज़ें सो डिटेल में बात करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कर लेना कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और उस वीडियो में नए घर का हाउस टूर करते हैं. सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी कि अगर आप कनाडा में नए आ रहे हैं तो अपार्टमेंट हंटिंग कैसे करनी है, अपार्टमेंट में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ध्यान में रखना है. सो आई होप दिस हेल्प्स. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी और आप कितने एक्साइटेड हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए. सो चलो जी, मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.